वट्सअप गैस दिस इज मैक्म बैक टूट न्यूब वीडियो ऑफ़ माइंड आज की वीडियो में कुछ खास रिक्वेस्ट पर लोगों की बना रहा हूँ जो मेरे से पूछ रहे थे कॉन्स्टेंटली जब से मेरी पी आर आई है तब से ही कि क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में यू नो आफ्टर पी आर वट एडक्टली चेंजेस सो आई जस्ट वॉन्ट इड टू एड्रेस बैटर टू यू नो मेक ए वीडियो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग सो मैनी पीपल ओवर द इंस्टाग्राम डी एम्स सो वट इजैक्टली चेंजड things have changed, not the way that you guys think that you know कि uh, बढ़ गए डॉलर या फिर यू you नो know, कमाई बढ़ जाती है ऐसा कुछ है। तो ऐसा नहीं है देखो कमाई नहीं बढ़ती है पर चीज़ें क्या क्या चेंज होती हैं और क्या क्या बेनीफि मिलते हैं आपको एक बार आप पीआर हो जाते हो कैनेडा में उसके बाद हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले आज इसकी इस जो हमारी वीडियो है उसके अंदर तो सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों जो आपको होता है ना कि वो है कि ऑफकोर्स आपको एक नया शोशल इंश्योरेंस नंबर मिल जाता है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती इस चीज़ का क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ जब आप कनाडा के अंदर एंटर करते हो ना आपको एक चीज़ मिलती है वो बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर वो जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है ना उस पर आपका जो भी आप कैनेडा के अंदर काम करते हो जो भी आप जॉब करते हो वो सारा आपके उसके ऊपर रजिस्टर होता है अगर आपके पास एक सोशल इंश्योरेंस नंबर नहीं है तो आप कैनेडा के अंदर जॉब नहीं कर सकते और जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर जो आपको मिलता है कनाडा में एंट्री के टाइम पे वो आपका दो साल या तीन साल जितनी आपकी स्टडी है उतना होता है ऑफ uh, कोर्स एक बार वो पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो बट उसके साथ साथ आप नया सोशल इंश्योरेंस नंबर रीन्यूअल के लिए भी अप्लाई करते हो सोशल इंश्योरेंस नंबर वही रहता है बट वो रीन्यू होना होता है दो साल बाद तो अगर आप एज अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट रहते हो स्टूडेंट इज़ अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट वर्क परमिट इज़ अ टेम्प्रेरी रेजिडेंट अगर आप एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट की तरह रहते हो तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है वो रीन्यू करवाना पड़ता है पर जैसे आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो ये आपकी न्यू लेटर है इस न्यू लेटर के बेस पर अपना ना सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हो तो आपका जो एक अनलिमिटेड वाला सोशल इंश्योरेंस नंबर आया था आपको दोबारा दोबारा रिन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है यू विल गेट आउट ऑफ दैट सिस्टम सेकेंड जो बेनिफिट है वो आपके लिए जॉब सेक्टर बहुत ज़्यादा खुल जाता है कुछ ना लिमिटेड हाई पेइंग जॉब्स होती हैं कोई बड़ी बड़ी मैनेजर पोजिशन होती हैं किसी भी फील्ड के अंदर जिसमें रिक्वायरमेंट होती है कि यू शुड बी इधर ए परमानेंट रेजिडेंट और ए सिटीजन ऑफ कैनेडा अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बायस बिहेवियर चल रहा होता है दैट्स नॉट द थिंग बट द रीजन बिहाइंड इज़ यू नो एवरीबडी वॉन्ट अ स्टेबल यू नो हर किसी को एक स्टेबल एम्प्लॉय की जरूरत है और उनको पता है कि अगर कोई बंदा एक परमानेंट रेजिडेंट है या फिर एक सिटीज़न है तो वो वो कंट्री छोड़ के नहीं जा रहा है हर साल पाँच साल छः साल दस साल काम करेगा हालांकि काम किसी ने नहीं करना होता पाँच छः साल लोग हर कोई अपनी ग्रोथ देखते हैं लोग कंपनियाँ छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे वर्क परमिट पर करते हैं कि यू नो पहले बात नहीं करते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें आपके एल की जरूरत है ये सब बातें पहले नहीं करते हैं बट जब वो पी का टाइम आ रहा होता है तो पॉइंट पूरे नहीं हो रहे होते तो वो के पास जाके एम्प्लॉयर के पास जाके बोलते हैं कि यार हमें सपोर्ट कर दो हमारे लिए एल कर दो उस टाइम तक जो आपका एम्प्लॉई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका होता है कंपनी का आप उसको मना नहीं कर सकते बट वो इस सिचुएशन में पढ़ने से बचने के लिए जो एम्प्लॉयर हैं वो ढूंढते हैं या तो परमानेंट रेजिडेंट या फिर एक कनेडियन सिटीजन तीसरा और जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप ना प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हो आप बोलोगे यार प्रॉपर्टी क्या है पैसे देने हैं पैसे दे आप वर्क परमिट पे हो आप स्टूडेंट हो आप पी हो आप सिटीजन हो जैसे मर्जी बाय कर लो ना क्या फर्क पड़ता है फ़र्क पड़ता है दोस्तों फ़र्क ऐसे पड़ता है कि अगर आप एक परमानेंट रेजिडेंट हो कनाडा के आप 5 परसेंट डाउन पेमेंट देकर घर ले सकते हो और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो अगर आप वर्क परमिट पे हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपकी डाउन पेमेंट मिनिमम आई थिंक 25 टू 30 परसेंट के आसपास होती है हो। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है मान लो अगर कोई घर है आपका आपको पाँच लाख डॉलर का आपको घर कोई पसंद आ जाता है ठीक है पाँच लाख डॉलर का अगर आप पाँच डाउन दोगे इट विल बी मच लेस अबाउट आई थिंक ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर्स स्टिल थोड़ा अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ जाता है बट अगर सोचो यही आपको पाँच की जगह पाँच का पाँच गुना जो कि मैंने बोला था पच्चीस परसेंट स्टूडेंट या वर्क पर वाले बंदे को देना पड़ेगा तो इट गोज लाइक हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव थाउज़ेंड डॉलर्स लॉड ऑफ मनी बहुत मुश्किल है पैसे इकट्ठा करना और पे करना एक बार में तो या घर लेने की अफोर्डेबिलिटी तब आती है जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हो या फिर आप एक कनेडियन सिटीजन हो जाते हो चौथी एक जो चीज़ ना मतलब लोग इग्नोर कर देते हैं मोस्टली इस बार हम बात नहीं करते बट आई थिंक करना चाहिए इस बारे के अंदर आपको बात की यू you नो know, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको फ्रीडम फ्रीडम ऑफ गोइंग इन टू योर एनी चॉइस ऑफ फील्ड मूविंग टू एनी प्रोविंस लिविंग इन एनी सिटी इट ओनली कम्स आफ्टर परमानेंट रेजिडेंसी मतलब आप पहले भी फ्री होते हो आप कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो पर परमानेंट रेजिडेंसी के बाद ना आपके दिमाग से एक टेंशन निकल जाती है कि यार एन कैटेगरी वाली जॉब करनी है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं कर सकते यार और यार ये खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर सकते घंटे नहीं काउंट होते बहुत सारी जॉब्स के अंदर आपके घंटे काउंट नहीं होते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते नहीं अब आप फ्री हो आपका जहाँ दिल करता है जाके वहाँ बिजनेस करो जहाँ दिल करता है वहां पे जाके रहो जो से प्रोविंस में जाके घर लेने का दिल करता है वहां पे जाके रहो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे हिसाब तो से दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट बेनिफिट जो है वो ये है कि आप इंडिया जा सकते हो आप इंडिया जा सकते हो आप इंडिया जाके अनलिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे एक समय इसको अनलिमिटेड टाइम बोलना चाहूँगा बट ये अनलिमिटेड टाइम होता नहीं है इसमें भी दर इज ए कैच आर टेल यू हाउ जब एक परमानेंट रेजिडेंट अगर आप हो जाते हो तो आपको पाँच साल में से तकरीबन तो ढाई साल या तीन साल एक्चुअली या पाँच साल में से तीन साल के आसपास आपको कनाडा में रहने होते हैं अपना कार्ड रिन्यू करवाने के लिए पाँच साल के बाद तो हो होता क्या कि परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड आपको पाँच साल के बाद मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाँच साल बाद आपको फिर से ड्रॉ में एक्सप्रेस एंट्री में फाइल डालनी पड़ेगी तरीके ढूंढने पड़ेंगे दोबारा पेयर कैसा नहीं है वो अपने आप रिन्यू होता रहता है बट उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि आपको पाँच साल में से तीन साल के आसपास आई थिंक आपको कनाडा में रहना होता है ढाई या तीन साल आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके आपको मैंने फैक्ट बता दिया क्या है आप ड्यूरेशन चेक कर सकते हो खुद ही बट आप अगर चाहो तो आप एक साल इंडिया रह के आ सकते हो दो साल इंडिया रह के आ सकते हो यू डोंट नीड टू कम बैक आप यू कैन गो बैक टू दैट लाइफ एंड थिंक की हम कभी कैनेडा आए नहीं थे कुछ लोग हो जाता है इन्होंने उनको वापस जाना होता है और थोड़ी देर के लिए भूलना होता है कि हम कभी कैनेडा गए थे बिकॉज नो you know, हो ना हो थोड़ी तो मतलब लाइफ यहाँ पे आपकी स्ट्रेसफुल कभी कभी हो ही जाती है तो समटाइम्स पीपल फील की इंडिया जाना है और इंडिया जाके रहना है और ये भूल जाना है थोड़ी देर के लिए कि अब कोई कैनेडा नाम की चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती तो दैट यू कैन डू आफ्टर यू पी तो वाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल ने